भारत के 10 रहस्यमयी संत। आधुनिक भारत में संत तो कई हुए, जैसे महर्षि अरविंद, एनी बेसेंट, महर्षि महेश योगी, दादा लेखराज, माँ अमृतामयी, सत्य साई बाबा, स्वामी शिवानंद, श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी कुवलयानंद, मेहर बाबा, राघवेंद्र स्वामी, श्री कृष्णमाचार्य, शीलनाथ बाबा, दादा धुनी वाले बाबा, देवहरा बाबा, आनंद मूर्ति बाबा, रमण महर्षि, श्री शिव दयाल सिंह, आचार्य तुलसी आदि। इसी क्रम में हम लाए हैं 10 अन्य रहस्यदर्शी संतों का संक्षिप्त परिचय। जय कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को मदनापाली आंध्र प्रदेश के मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एडल्स हक्सले, खलील जिब्रान, इंदिरा गांधी आदि अनेक महान हस्तियां उनके विचारों से प्रभावित थी। उन्होंने 1986 में अमेरिका में 91 वर्ष की उम्र में देह छोड़ दी। ओशो रजनीश। ओशो रजनीश उर्फ चंद्रमोहन जैन का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा में हुआ था। 21 मार्च को उन्हें संबोधि घटित हुई। 19 जनवरी 1990 को पूना में उन्होंने देह छोड़ दी। कहते हैं कि अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें जहर देकर मार दिया था। स्वामी प्रभुपाद जी। स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ था। 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग दी थी। स्वामी प्रभुपाद जी ने ही इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस अर्थात इस्कॉन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में 20 फरवरी 1836 में हुआ। 16 अगस्त 1886 को उनका महाप्रयाण हो गया। रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुख है। परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद उर्फ मुकुंद घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 7 मार्च 1952 को योगानंद का लॉस एंजलिस में निधन हो गया। आपकी ख्यात पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। यह कृति हिंदी में योगी कथामृत के नाम से उपलब्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में एवं मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में हुई। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद से दीक्षा ग्रहण की। अपने गुरु की आज्ञा से 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। गजानन महाराज। गजानन महाराज का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। शेगांव में 23 फरवरी 1878 में उन्हें बनकट लाल और दामोदर नामक दो व्यक्तियों ने देखा। वे तभी से वहीं रहे। मान्यता के अनुसार 8 सितंबर 1910 को प्रातः 8 बजे उन्होंने शेगांव में समाधि ले ली। शिरडी के साईं बाबा। ऐसा विश्वास है कि सन 1835 में महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी नामक गांव में साईं बाबा का जन्म भुसारी परिवार में हुआ था। इसके पश्चात 1854 में वे शिरडी में ग्रामवासियों को एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। बाबा की एकमात्र प्रमाणिक जीवन कथा श्री साई सच्चरित्र है, जिसे श्री अन्ना साहिब दाभोलकर ने सन 1914 में लिपिबद्ध किया था। 15 अक्टूबर 1918 तक बाबा शिरडी में अपनी लीलाएं करते रहे और यहीं पर उन्होंने देह त्याग दी। लाहिड़ी महाशय। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के घुरनी गांव में हुआ था। 26 सितंबर 1895 को लाहिड़ी महाशय का देहांत वाराणसी में हो गया। कहते हैं कि पुराण पुरुष योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी नामक पुस्तक में कई रहस्य छिपे हुए हैं। नीम करोली बाबा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 11 सितंबर
73 को आपने वृंदावन में देह त्याग दी। आपका समाधि स्थल नैनीताल के पास पंत नगर में है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है।